हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज अपने सेकंड लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टर्म पे हम आपको बता रहे थे, माइक्रोवेव ही बता रहे थे हैं। माइक्रोवेव का मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम था उसको डिफरेंट रीजन बताए थे, और उस रीजन में ही मैंने बताया था एक पोर्शन में माइक्रोवेव पोर्शन होता है। तो माइक्रोवेव जो फ्रिक्वेंसी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, अलग अलग बुक्स में डिफरेंट दिए हैं, पर हम एग्जैक्ट जो बताएंगे वो ऐसे करते हैं। ये देखिए, ये माइक्रोवेव की ये डेफिनेशन हम ये है। तो इसको मैं क्या लिखें, माइक्रोवेव आर ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर। 1 मीटर से 1 mm के बीच में इसकी लैम्बडा होती है, और फ्रीक्वेंसी इसकी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज जानते हैं, 10^6, और गीगाहर्ट्ज है, 1 गीगाहर्ट्ज क्या होता है, गीगाहर्ट्ज होता है 10^9 साइकिल पर सेकंड, और मेगाहर्ट्ज 10^6 साइकिल पर सेकंड। तो ये डेफिनेशन इसकी माइक्रोवेव की है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये ठीक है। तो दिस इज द माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव को भी फर्दर बैंड्स में डिवाइड किया हुआ है ना। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को डिवाइडेड क्या किया है, डिवाइडेड और बैंड है इनकी। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज के लिए रखना पड़ेगा, ये बैंड क्या है, ये बैंड है, ये तो फ्रीक्वेंसी बैंड ये है माइक्रोवेव की। तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें सी बैंड होती है, एक्स बैंड होती है। तो हम एक्स बैंड पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये डिफरेंट बैंड है जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज होती है, अलग अलग यूटिलिटी होती है इसकी, अलग अलग बैंड की। तो आपके इंटरव्यू के लिए है, बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है कि बैंड के बारे में, लेकिन फिर भी ये है। तो अब हम माइक्रोवेव के बारे में आपको बता दिया क्या है। अब मैं आपको माइक्रोवेव का जो वो है सिलेबस पे आते हैं। जैसे तो माइक्रोवेव में क्या होता है, हम माइक्रोवेव में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या ट्रांसपोर्टेशन। माइक्रोवेव क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है हाई फ्रिक्वेंसी पर। तो माइक्रोवेव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है हाई फ्रिक्वेंसी पर, और माइक्रोवेव के ट्रांस पहले यूनिट है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट यूनिट है ना ये है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या होगा, माइक्रोवेव को एक जगह से है, यहाँ एक स्टेशन से, और माइक्रोवेव को ट्रांसपोर्ट करके या ट्रांसमिशन करके दूसरी जगह ले जाएंगे। तो यहाँ से माइक्रोवेव को जनरेट किया या जिस जगह से स्टार्ट करना है वो कहलाएगा ट्रांसमीटर। तो क्या कहलाएगा, ट्रांसमीटर, और ये रिसीवर हो गया। या हम गए और लैंग्वेज में, पोर्ट वन से पोर्ट टू तक ले जाना है, पोर्ट वन और ये पोर्ट टू। तो माइक्रोवेव वो ट्रांसमिशन कहते हैं। तो पोर्ट वन से पोर्ट टू तक हम एक लाइन के थ्रू ले जाते हैं। तो जो लाइन के थ्रू ले जाएंगे वो क्या हो गया, एक लाइन में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन, उसे क्या कहेंगे हम, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन।
ये तो कुछ फिगर इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब ट्रांसमिशन लाइन क्या है? माइक्रोवेव को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट करती है। ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट और ट्रांसपोर्ट माइक्रोवेव एनर्जी या पावर, तो ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन होगी। तो माइक्रो ट्रांसमिशन लाइन जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन भी क्या होती है, एक तरह से वही एक लाइन होती है, दो वायर होते हैं। तो एक वायर फेस का कहते हैं, और दूसरा न्यूट्रल कहते हैं, और ये 50 साइकिल पर सेकंड पे पावर ट्रांसमिट होती है। सामान्य इलेक्ट्रिसिटी में 50 साइकिल पर सेकंड पे पावर ट्रांसमिट होती है, माइक्रोवेव में गीगाहर्ट्ज़ पे ट्रांसमिट होगी। तो ऐसे ये ट्रांसमिशन लाइन, तो पहले ट्रांसमिशन ये क्या है, देखिए दो वायर है ना, तो टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में पहली हो गई टू वायर ट्रांसमिशन लाइन, और फर्स्ट ईयर में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन या संचरण लाइन नाम से आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा हुआ है। दूसरी तरह का एक और होती है ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल, कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन। कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन भी आप अच्छी तरह जानते हैं, देखिए आपने खुद ने देखा होगा। पहले तो मैं बताता हूँ, आप बहुत पहले जब टेलीविजन स्टार्ट होते थे, एंटीना वाले टेलीविजन है, अब तो क्या है केबल से आता है सीधा, है अब इंटरनेट से ही चल जाता है टीवी आपका। पहले एंटीना रेडियो स्टेशन है, अलोर का रेडियो स्टेशन है, यहाँ पे टीवी टावर की लगी हुई है, तो वहां से सिग्नल आता था, और हमारे घर के ऊपर एंटीना लगा होता था, उस एंटीना तक सिग्नल आता था, उस छत पे एंटीना से और नीचे टीवी तक एक तार जुड़ा हुआ होता था। वो तार देखा है, वो तार है, वो क्या है, नॉर्मल तार जैसे नहीं होते अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो एक जो तार होता था हम उसको कहेंगे ट्रांसमिशन लाइन, टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। कभी किसी ने ध्यान हो उसको काट के देखा होगा, तो उसमें दो वायर होते थे, एक बीच में प्लास्टिक की स्ट्रिप होती थी, और उस स्ट्रिप के किनारे पर क्या होते थे, दो वायर होते थे, सब कुछ ढका हुआ था। तो वो दो वायरों से ये ट्रांसमिशन पावर जाती थी, तो टू वायर ट्रांसमिशन लाइन थी। अब वो ऑब्सोलेट हो गए क्योंकि एंटीना से अब नहीं आता, रिसेप्शन वगैरह नहीं लेते, अब क्या केबल से आता है, केबल से भी देखा ना, तो केबल से जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो ट्रांसमिशन लाइन होती है कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन। वो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन होती है, कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन लाइन होती है वो। तो दूसरे से कोएक्सियल आपने ये कभी इसको काट के देखा है, तो उसमें क्या होता है, एक वायर होता है मेटल का, और उस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की सी या इंसुलेटर की एक कोटिंग होती है, और उस कोटिंग के ऊपर एक आयरन की जाली जाली लगी होती है, और उस जाली के ऊपर फिर एक कोटिंग होती है ब्लैक कलर की। तो इसमें क्या होता है, एक कंडक्टर तो नी अंदर होता है, और एक कंडक्टर ये जाली होती है ये होता है, तो वो कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन है। तो वो भी है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का एक साधन। तीसरा है वेव गाइड। तीसरा क्या है, वेव गाइड। तो हम क्या है, ये हमारे सिलेबस में है और हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो वेव गाइड क्या है बताइए, अब आपने कुछ समझा, तो वेव गाइड इज ए ट्रांसमिशन लाइन विच ट्रांसपोर्ट माइक्रोवेव एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो वेव गाइड क्या है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पहुंचाने वाला। अब वो कैसा होता है वेव गाइड, तो वेव गाइड आप सिंपलेस्ट वर्ड में मान लीजिए, हॉलो मेटल पाइप,
ये वेव गाइड है। मेटल पाइप आपने देखो, ये नल के पाइप होते हैं पहले जो, अब तो प्लास्टिक के पाइप आने लगे, अपने पानी के पाइप होते हैं, तो वो खोखला होता है और एक सिलेंड्रिकल होता है, तो वो मेटल पाइप वो वेव गाइड हम कह सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन इसका हो सकता है, या तो रेक्टेंगुलर हो सकता है, या सर्कुलर हो सकता है। तो अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या रेक्टेंगुलर मेटल का पाइप है तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड, और सर्कुलर है क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर वेव गाइड। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ये देखिए ये वेव गाइड की ये फोटो है दोनों, ये वेव गाइड है। ये देखिए ये है जो जो ये है ना, ये वाला है, ये रेक्टेंगल, तो ये पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है, तो ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड है, ये सर्कुलर वेव गाइड है, ये क्या है, सर्कुलर वेव गाइड। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर वेव गाइड और सर्कुलर वेव गाइड। तो हम पहले रेक्टेंगुलर वेव गाइड, हमारे कोर्स में एक्चुअली में रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ये सर्कुलर वेव गाइड हमारे कोर्स में नहीं है, इसकी तो एक कैविटी है। तो ये रेक्टेंगुलर वेव गाइड के बारे में और देखिए, ये फिगर देखिए रेक्टेंगुलर वेव गाइड का, तो इसमें ये तीन डायमेंशन होती है, इसमें ये एक पाइप है खोखला, अंदर कुछ नहीं है, खोखला पाइप है, ये पोर्ट वन है, यहाँ से एनर्जी माइक्रोवेव एनर्जी एंटर होती है ये, और यहाँ से माइक्रो एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये पोर्ट वन हो गया, बाहर निकलने वाला पोर्ट टू हो गया, अंदर खोखला है, ये वाल है मेटल की वाल है, किसकी वाल है, ये सब मेटल की वाल है। मेटल भी ऐसा मेटल होता है जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। अब इसमें तीन डायमेंशन होती है, देखिए ये एक तो ये डायमेंशन, ये क्रॉस सेक्शन तो ये रेक्टेंगुलर है, ये क्रॉस सेक्शन ये रेक्टेंगल है ना, तो इसकी ये डायमेंशन तो वही वाइड डायमेंशन ए कहते हैं, ये इसकी नैरो डायमेंशन बी होती है, और ये वेव गाइड की लेंथ होती है, ये क्या होती है, वेव गाइड की लेंथ होती है ये वेव गाइड की। तो तीन डायमेंशन हुई, ए वाइड डायमेंशन, बी नैरो डायमेंशन, और तीसरा एल लेंथ इसकी। तो हम क्या मानते हैं, लेंथ इसकी, अब एनर्जी किस डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है, एनर्जी इसकी माइक्रोवेव एनर्जी लेंथ की डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है, तो माइक्रोवेव एनर्जी प्रोपगेट अलोंग लेंथ, और लेंथ को हम जेड डायरेक्शन में मान लेते हैं, क्या मानते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन, और जेड तीन होती है ना, तो हम एक डायरेक्शन को तो एक्स मान लेते हैं, और दूसरी डायरेक्शन को वाई, और तीसरी डायरेक्शन ये जैसे ये वेव गाइड है, ये वेव गाइड है ये, तो ये एक्स, ये वाई, और ये डायरेक्शन है जो जेड है, इसकी लेंथ जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन है प्रोपेगेशन डायरेक्शन, हमेशा ऐसा ही होगा, जेड डायरेक्शन को प्रोपेगेशन डायरेक्शन मानेंगे। तो माइक्रोवेव एनर्जी यहां से स्टार्ट हुई, यहां निकली और अंदर प्रोपेगेट हुई, तो एक फ्री स्पेस में प्रोपेगेशन होता है, और अब एक मेटल पाइप में प्रोपेगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इन मेटल पाइप ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की हम उस पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब फ्री स्पेस में प्रोपगेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हम जानते हैं फ्री स्पेस में प्रोपगेट कैसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, किस फॉर्म में प्रोपगेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और
मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में प्रोपगेट होता है, यह इस फॉर्म में तो ये फ्री स्पेस में भी होता है और मेटल पाइप के अंदर भी होता है। फ्री लेकिन थोड़ा पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। फ्री स्पेस में तो क्या होता है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और साथ में दोनों फील्ड बोथ फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये तो हम फ्री स्पेस में जानते हैं, ये बताया था सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसे होता है, लेकिन मेटल पाइप के अंदर फील्ड कैसे प्रोपेगेट होंगे, क्या वहां भी ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के या नहीं होगा, तो वो हम देखेंगे उसको। तो फील्ड प्रोपेगेशन का हम कल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि ये बोथ फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ओबे मैक्सवेल्स लॉ या मैक्सवेल्स इक्वेशन, चार रूल। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल के लॉ या इक्वेशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चार रूल है। तो मैक्सवेल इक्वेशन से, और इन चारों रूल को चाहे वो फ्री स्पेस में प्रोपगेट करे चाहे वो मेटल पाइप के अंदर प्रोपगेट करे, ये चारों रूल को फॉलो करना होता है, बेसिक फंडामेंटल लॉ है। तो बेसिक फंडामेंटल लॉ क्या होते हैं, मेरा मैक्सवेल इक्वेशन बता देता हूं मैं। पहले यह है गॉस लॉ, दूसरा है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक। तो उसमें क्या होता है, गॉस लॉ तो ये होता है, देखिए E इनटू dA, क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये होता है गॉस लॉ। और दूसरा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स है कि बंद सरफेस से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है। और तीसरी ये है फैराडे लॉ है, तीसरी क्या है, फैराडे लॉ है। तीसरी क्वेश्चन फैराडे लॉ क्या है कि इंड्यूस्ड एमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, क्लोज कॉइल में अगर उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये तीसरी इक्वेशन है। और चौथी इक्वेशन है वो क्या है, मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था, वो खुद का मैक्सवेल कंट्रीब्यूशन था। तो वो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, बिल्कुल फैराडे लॉ की उल्टी है ये, कि बी इंटू डी एल, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग बल, ये इसको हम कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये जो होता है ये वैसे दो कंट्रीब्यूशन में होता है, एक तो म्यू एप्सिलॉन डेल्टा फाई ई अपॉन डेल्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, आप ऐसे समझिए। यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ ये इसका उल्टा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रेट ऑफ चेंज है कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये फाई ई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसमें चेंज हो रहा है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। ये चौथी इक्वेशन है, ये उसने किया था, बाकी वैसे ये डिस्प्लेसमेंट करंट के थ्रू और होता है, फिर हम उसमें नहीं जाएंगे। ये चार इक्वेशन मैक्सवेल की हैं, आज हम इतना ही बताते हैं, कल फील्ड इक्वेशन से आ जाएंगे, हैं कल फील्ड इक्वेशन बताएंगे। थैंक यू।